Dear students and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah bless you all. Continuing our topic regarding Mughal Emperor, in which we have discussed about Shah Jahan yesterday, who ruled upon India from 1627 up to 1658. 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां ने हुकूमत की हिंदुस्तान पर, जिसका असली नाम प्रिंस सलीम था और जिसको शिखु बाबा अपना फादर जो उसका था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर प्यार से बुलाते थे। आज हालांकि हमें पढ़ना था फिफ्थ रूलर दैट इज औरंगजेब के बारे में, मगर उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेडी ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर एंड दैट्स नूरजहां। आज हम नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बहुत असर रहा है अपॉन हिज हस्बैंड एंड थर्ड फोर्थ मुगल एम्पायर दैट इज जहांगीर पे। आज हम उसी नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे, हु वाज शी। सो फॉर एज नूरजहां इज कंसर्न, उसका असली नाम मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा उसका नाम था, एंड शी वाज सेकंड वाइफ ऑफ जहांगीर। वो जहांगीर की दूसरी बीवी थी। जहांगीर की पहली शादी 15 साल की उम्र में 1584 में हुई थी, मगर जो उसकी बीवी थी शी डाइड इन 1604। 1604 में उसकी बीवी मर गई, उसका नाम मानाबाई था। फिर इन 1611 शी मैरिड मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा के साथ उसने शादी की, और जिसका टाइटल बाद में जहांगीर ने रखा नूरजहां। सो फार एज दिस मेहरुन्निसा नूरजहां इज कंसर्न, उसका ओरिजिनल नेम मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा उसका ओरिजिनल नेम था, और हर फैमिली जो थी, हर फैमिली बिलोंग्स टू ईरान, वो ईरान से आए थे, और उसकी फैमिली का नाम नूरजहानस जनता था, नूरजहानस जनता उसकी फैमिली का नाम था। हर फादर्स नेम, जो उसका बाप था उसका नाम मिर्जा गयास बेग था, मिर्जा गयास बेग उसका बाप था, एज ऑलरेडी मेंशनड वो ईरान से आए थे, और उसकी माँ जो थी उसका नाम असमल बेगम था, उसकी माँ का नाम असमल बेगम था, फादर का नाम मिर्जा गयास बेग था। उसके दो भाई थे, एक आसिफ खान था एंड दूसरा अव्वल हसन। एज यू आई हैव मेंशनड, आसिफ खान का अहम रोल रहा है शाहजहां के बादशाह बनने में, जो हमने कल पढ़ा। आसिफ खान वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर, जिस तरह नूरजहां अहम फिगर थी, जिस तरह उसका असर था, इसी तरह आसिफ खान का भी एक असर था। और जब शाहजहां बादशाह बनने थे, हालांकि नूरजहां उसको नहीं चाहते थे कि वो बादशाह बन जाए, मगर आसिफ खान की वजह से बादशाह शाहजहां एसेडेड दी थ्रोन। आसिफ खान ने उसका अहम मदद उसमें उसकी की। आसिफ खान उसी नूरजहां का भाई था। इसका दूसरा भाई भी था जिसका नाम अव्वल हसन था। अव्वल हसन एक पावरफुल मिनिस्टर वह भी थे, उसका भी असर रसूख था। इसी तरह जब वो नूरजहां किया, मेहरुन्निसा जिसका नाम था असली नाम, जिसको फिर टाइटल मिला नूरजहां, पहले उसको नूर महल मिला, फिर उसको टाइटल दिया जहांगीर ने, जब उसने शादी की उसके साथ, दो टाइटल्स दिए, नूर महल और नूरजहां, किसने, जहांगीर ने। ओके, उसकी एक बेटी थी, क्योंकि वो विडो थी, वो उसकी पहली शादी हो चुकी थी शेर अफगन के साथ, और शेर अफगन उसको बंगाल में मारा गया था बंगाल की लड़ाई में, और उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। वो जब जहांगीर के साथ उसकी शादी हुई तब एक बेटी भी उसके साथ थी, उसका नाम लाडली बेगम था। 18 साल की उम्र में नूरजहां की या मेहरुन्निसा की पहली शादी हुई थी, जो उसका पहला पति था उसका नाम अली कुली बेग था, असली नाम उसका अली कुली बेग था, उसका नाम शेर अफगन रखा गया। उसका नाम शेर अफगन इसलिए रखा गया, कहते हैं कि जब वो बंगाल गए तो बंगाल ही फॉट विथ टाइगर, टाइगर के साथ उसने लड़ाई की, और उसको टाइटल मिला वहाँ का जो सूबेदार था शहाबुद्दीन, उसी शहाबुद्दीन ने उसको शेर अफगन का नाम दिया, और उसी शहाबुद्दीन ने फिर उसको मार भी दिया। कहते हैं कि जहांगीर के कहने पर ही शेर अफगन को मरवाया गया था। अली कुली बेग उसका असली नाम था, और उसी के साथ 18 साल की उम्र में नूरजहां की शादी, पहली शादी हुई थी। देन जब उसकी जो ये शेर अफगन था, ये शाह इस्माइल सेकंड जो ईरानियन बादशाह था, वहाँ भी उसने सर्व किया है, काम किया है, फिर फ्रॉम देयर ही रीच्ड इंडिया एंड सर्वड इन अकबर्स कोर्ट, फिर अकबर के कोर्ट में उसने अच्छा काम किया, एंड बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी ही उसको एक जागीर मिली बंगाल में, शेर अफगन को नूरजहां के पहले पति को। ओके, एंड देन ही वाज किल्ड, व्हेन शेर अफगन वाज किल्ड, नूरजहां वाज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, उसको आगरा ले जाया गया, किसके लिए, कि वहाँ जहांगीर की जो माँ थी उसकी देखभाल के लिए, टू सर्व जहांगीर मदर।
जहांगीर की माँ की देखभाल के लिए उसको जहांगीर आगरा भेजा गया। वहां पर आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल के बाद जहांगीर ने उसके साथ शादी की। किसके साथ? नूर जहां के। इन 1611 में उसने जहांगीर के साथ दूसरी शादी की। शायद 1612 में उसको बादशाह बेगम का टाइटल मिला। 1616 में उसको फिर दो और टाइटल्स मिले, एक मिला नूर महल और इसके बाद उसका दूसरा असली मिला जिसके नाम से वो फिर मशहूर होगी, दैट इज नूर जहां के नाम से फिर मशहूर होगी। ओके, इसके बाद जब इसका असर इतना बड़ा कि जॉइंट फरमानस, जो भी वहां से डिक्रियां निकलती थी, जो भी ऑर्डर्स निकलते थे, उन पे दोनों का नाम होता था। शाहजहां के नाम जहांगीर के नाम से भी निकलता था, उसके साथ नूरजहां का भी वहां नाम होता था, तो दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए थे। जहां फिर वो जब कोई ने मिंटेड की जाती थी, जो कोई ने बनती थी, उस पर भी दोनों की क्या कोई ने इस पर दोनों की शक्लें थी, एक तरफ नूरजहां की और दूसरी तरफ जहांगीर का। अब ज्यादा से ज्यादा अब इसका जो असर था एडमिनिस्ट्रेशन पे वो अब नूरजहां की रहा था। इसी के असर से, बिकॉज ऑफ हिज इंप्रेशन, बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस, जो उसके फादर को 7000 का मनसब मिला। ही गॉट 7000 मनसब, द हाईएस्ट मनसब, द सिस्टम हाईएस्ट रैंक जो होती है 7000 वो उसको मिला। इसी तरह उसका जो भाई दूसरा भाई था आसिफ खान, उसको भी सेकंड थाउजेंड मनसब उसको मिला। जो उसका और एक भाई था अबुल हसन, ही बिकेम द मिनिस्टर, उसको मिनिस्टर बनाया गया। उस मिनिस्टर मीर समन उसको रखा गया। मीर समन एक मिनिस्ट्री थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, उस वो मिनिस्ट्री उसको मिली। इन 1620 में इसकी जो बेटी थी लाडली बेगम, उसकी शादी हुई प्रिंस शहरियार के साथ। शहरियार जो कि जहांगीर का बेटा था, उसके साथ उसकी शादी हो गई। ओके, ये हमने आज पढ़ा। इन 1645 नूरजहां डाइड, उस जहांगीर के बाद उसकी मौत हुई। पहले जहांगीर मरा, फिर उसके बाद वो मरा। सो दिस ऑल वी हैव टुडे, इंशाल्लाह टुमारो, कल हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, हु इज द लास्ट अर्ली मुगल रूलर, हु रूल्ड फ्रॉम 1658 अप टू 1770। आफ्टर दैट, उसके बाद इंशाल्लाह हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।